मेरे वादों को लगा था कि अगर 10 महीने मैं अपने हलके में हाजिर नहीं हूँ तो इलेक्शन आएगा तो ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। आज आप सारों ने साबित कर दिया कि चाहे जनवरी में इलेक्शन हो या फरवरी में इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ताला जीत आप लोगों की होगी। हम लड़ते रहे पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, हम लड़ते रहे, लेकिन जब एक नया बयानिया आया, वो बयानिया ना मेरा था, ना मेरे वालिद साहब का था, ना मेरे हल्के की आवाम का था। हम लोग कैंप की नींद सोते तो हम अपने जवानों की वजह से सोते, अपनी पाक फौज की वजह से सोते। 8 फरवरी को हम मैदान में उतरेंगे शाह साहब की क्यादत में ट्रैक्टर के निशान के साथ, और हम तरक्की का वही सफर वहां से शुरू करेंगे जहाँ पे हम छोड़ के गए थे। इंशाल्लाह सियासत सिर्फ हल्के की होती है, सिर्फ कामों की होती है, मतलब की होती है। आपका हमारा ताल्लुक सियासत से बहुत गहरा है। मेरे वालिद साहब का आप सारों के साथ ताल्लुक सियासत से बहुत गहरा है, और मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं काम में कि मेरे मुहावरों को लगा था कि अगर 10 महीने मैं अपने हलके में हाजिर नहीं हूं तो इलेक्शन आएगा तो ये लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। आज आप सारों ने साबित कर दिया कि चाहे जनवरी में इलेक्शन हो या फरवरी में इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ताला जीत आप लोगों की होगी। आप लोगों ने हमेशा की तरह आज भी जो प्यार दिखाया है, तोड़ सियालकोट एयरपोर्ट से लेकर नाता उस तक, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। और यकीनन आप सबके जेल में सवाल होंगे, आखिर पिछले 10 महीनों में सियासत का माहौल भी बड़ा बदला है, सियासत भी बड़ी बदली है। जब तक लड़ाई सियासी थी हम लड़ते रहे पीपल्स पार्टी से, हम लड़ते रहे नून लीग से, हम लड़ते रहे, लेकिन जब एक नया बयानिया आया, वो बयानिया ना मेरा था, ना मेरे वालिद साहब का था, ना मेरे हलके की आवाम का था। यहां पे मेरे हलके के बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुरपुर बिलौरपुर वाली साइड पे रहते हैं, उधर कभी लोगों से पूछे जब बॉर्डरों पे हमारे जवान लड़ते हैं तो बंदूकों की गोलाबारी की आवाजें हमारे घरों तक आती हैं। अगर उन आवाजों के बावजूद हम लोग कैंप की नींद सोते तो हम अपने जवानों की वजह से सोते, अपनी पाक फौज की वजह से सोते। ये एक ऐसा बयानिया था जिसके साथ ना मैं चल सकता था, ना मेरे वालिद साहब चल सकते थे, और आज आप लोगों ने साबित किया ना हमारे हल्के की आवाम चल सकती थी। मेरी कोशिश है कि मैं सियासत में खिदमत करूं, ताबेदारी करूं, अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करूं, और पिछले 5 साल मैंने यही कोशिश की कि मैं जिस हद तक जा सकता हूं मैं जाऊं, लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम का जो हक है वो उनको ला के दूं। बीच में 16 महीने हमारे मुखालफों की हुकूमत आई, पिछले 16 महीने में जिले गुजरात को इन्होंने क्या दिया, कौन से ऐसे मंसूबे थे जो ये लेके आए? इनको लगता है आवाम भूल भुला जाती है, आवाम को अंदाजा है कि जो महंगाई हुई उसके जिम्मेदार नून लीग थी, जो आज कुछ बेहतरी आई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने थोड़ी रस्सी खींची है और हालात बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉलर नीचे आया, घी की कीमतें नीचे आई। अगर ये हमारे मुखालफों में और उनकी जमातों के बस में होता तो आज महंगाई और मजीद अरूज में होती, लेकिन आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन
ये साबित कर रहे हैं कि आप लोग भूले नहीं हैं। जो सलूक हमारे जिले के साथ, हमारे हलके के साथ पिछले 16 महीनों में किया गया, हमारी सारी सड़कें जो बन रही थी रोकी गई, जो हॉस्पिटल लखनवा में बन रहा था वो रोका गया, उस हॉस्पिटल में इलाज किसका होना था? कोई कार्ड लेके तो नहीं जाना था कि कार ली का बंदा उसका इलाज होना है? इलाज होना था हल्के की आवाम का, हल्के को नजरअंदाज किया गया, हमारे मंसूबों को रोका गया, और अब इंशाल्लाह आप लोगों की प्यार से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के जज्बात के साथ 8 फरवरी को हम मैदान में उतरेंगे शाह साहब की क्यादत में ट्रैक्टर के निशान के साथ, और हम तरक्की का वही सफर वहां से शुरू करेंगे जहां पे हम छोड़ के गए थे इंशाल्लाह। चौधरी हुसैन इलाही, चौधरी हुसैन इलाही, जो हमारे मंसूबे रोके गए थे इलेक्शन के बाद उन मंसूबों को भी चलाएंगे कि हमारे मुखालफों के पास में होता तो ये 16 महीने के टेन्योर में चाहे तख्ती मेरी ना लगाते, तख्ती अपनी लगा लेते, लेकिन ये मंसूबे शुरू कर देते। जब हमारी हुकूमत आई थी अवान शरीफ रोड आदि ना मुकम्मल पड़ी थी, हमने सबसे पहले जाके ये कहा कि अवान शरीफ रोड मुकम्मल की जाए क्योंकि वो हमारे हल्के के लिए फायदेमंद है। आज जितनी रोडें रस्ते में रोकी गई है ये सिर्फ इसलिए रोकी गई है क्योंकि जो हमारे मुखालिफ है इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये अपने लीडरों को जाके कहें कि NA-68 भी एक हल्का है, उधर के लोगों की भी कोई ख्वाहिशें हैं। और जब आप लोगों ने इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसला करने, तो आप लोग पिछले 5 साल की कारकर्दगी देखिएगा, पूरे पाकिस्तान के फंड एक तरफ, आपके हल्के के फंड एक तरफ थे, पूरे पाकिस्तान के मंसूबे एक तरफ, आपके हल्के के मंसूबे एक तरफ थे।